नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 7 विषय हिंदी में इकाई नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनका अभ्यास करेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई वह जीवनी साहित्य प्रकार है। जीवनी यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन की बात इस इकाई में बताई गई है, इसलिए इन इकाई का साहित्यिक स्वरूप जीवनी कहा गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम आपने सुना ही होगा। वह हमारे एक अच्छे महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम आपने सुना ही होगा, पर उनके बारे में आपने ज़्यादातर जानकारी शायद नहीं होगी। पर आज हम इस इकाई के माध्यम से विक्रम साराभाई की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आओ बच्चों, अब हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में अभ्यास करेंगे। भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। इस इकाई में विक्रम साराभाई के जीवन कार्यों का परिचय किया गया है और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में, उनका भी परिचय इस इकाई में बताया गया है। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। हमारा जीवन जो है उनमें सभी सुविधाएं, आजकल जो हम सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं उनमें प्रमुख योगदान यानी कि वैज्ञानिकों का बहुत सारा योगदान है, जिनकी वजह से आज हम कई सुविधाएं हमारे जीवन में प्राप्त कर सके हैं। वैज्ञानिकों ने कई ऐसी खोजों की, शोधों की, उनकी वजह से हमारा जीवन सुविधापूर्ण बन चुका है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचय कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। परिश्रम जांच करने की दृष्टि, परिश्रम करने की दृष्टि एवं परिश्रम एवं जो बाबत हमने परिश्रम की है, जांच की है, उन पर हमें परिश्रम यानी कि मेहनत करके लगन से हमारा दृष्टिकोण जो है वह हमें विकसित करके हम भी एक अच्छे और महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं।
ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी कि नामी। जब विक्रम साराभाई 2 वर्ष के थे तब से उनके गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं उसने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी कि नामी। नामी यानी कि बहुत बड़ा अपने जीवन में वह नाम प्राप्त करेगा, नामना प्राप्त करेगा। यशस्वी यानी कि नामी। नामी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। सच साबित करना यानी कि सिद्ध करना। जब वे 2 वर्ष के थे तब उनके गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी, भविष्यवाणी यानी कि उनके लिए वह भविष्य में क्या बनने वाला है ऐसा अनुमान लगाया था कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, यानी कि उनका नाम इन देश में बहुत बड़ा होगा, नामी होगा वह। उनका नाम इस जगत में बहुत बड़ा उनका नाम बनेगा। और उनकी भविष्यवाणी यानी कि गुरुदेव ने जो विक्रम साराभाई के बारे में भविष्यवाणी की थी वह भविष्यवाणी उन अपने कर्मों से यानी कि कर्म यानी कि अपने कार्यों से उसने सच साबित कर डाली। यानी कि विक्रम साराभाई ने अपने कार्यों से जो भविष्यवाणी की थी उनके गुरुदेव ने वह भविष्यवाणी अपने कार्यों के लिए कार्य करके उसने सच साबित कर डाली, सिद्ध कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। वह क्या थे, कौन थे आप जानते हैं कि जिनकी भविष्यवाणी जब वह 2 साल के थे तब उसके गुरुदेव ने जो भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, अपनी नामना प्राप्त करने वाला वह बनेगा, वह कौन था आप जानते हैं? तो वह था हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को, एक बार आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। 1912 बाळको तमारा पाठ्य पुस्तक में एमना जन्मनी साल कई आपेली छे 1912। खरेखर एमनो जन्म 1912 में थयो नथी, एमनो जन्म 1919 में थयो छे। एटले तमारे तमारी पाठ्य पुस्तक नी अंदर आटलू सुधारवानू छे। 1912 नी जग्याए तमारे कई साल लखवानी छे? 1919। यानी कि विक्रम साराभाई का जन्म
12 अगस्त 1912। को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार, प्रसिद्ध। प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार। इज्जतदार और प्रसिद्ध, जिनकी प्रसिद्धि बहुत होती है उसे प्रसिद्ध कहा जाता। उनका परिवार एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार था। परिवार यानी कि कुटुंब, उसका जो कुटुंब था वह उद्योगपति था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद में। वह एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में से था। उनके पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई उनके आठ भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावन विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने में बुलंद इरादे को दर्शाता है। बाल्यकाल यानी कि वह जब छोटे थे तब उनके जीवन में ऐसा प्रसंग हुआ कि उन प्रसंग की वजह से वह अपनी जो सफलता उसे मिली है, वह सफलता उन प्रसंग की वजह से, उनके जीवन में जो प्रसंग हुआ, जो घटना हुई, उनकी वजह से उनके जीवन में आज इतने वह आगे अपना नाम बना चुके हैं। छोटे से प्रतिभावन यानी कि तेजस्वी बुद्धि वाला। वह जब छोटे थे तब से वह तेजस्वी बुद्धि वाले थे। बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता, वह जब छोटे थे उस समय उनके जीवन में एक प्रसंग बना था। उनके वजह से सफलता उन्हें बुलंद यानी कि ऊंचे स्थान पर उन्हें बिठा दिया है। सफलता हासिल करने में बुलंद इरादे को दर्शाता है। बुलंद यानी कि ऊंचा।
बुलंद इरादा, इरादा यानी कि इच्छा, संकल्प। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नामों ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, ढेरों यानी कि बहुत ज़्यादा। वे जब 5-6 साल के थे यानी कि साराभाई जब 5-6 वर्ष के थे, उस समय उनके परिवार के साथ शिमला गए थे घूमने के लिए। शिमला में ऐसा हुआ कि उनके पिताश्री अम्बालाल के नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ, बहुत ज़्यादा चिट्ठियाँ आती थी और उनके मन में ऐसा हुआ कि मेरे नाम भी इतनी सारी चिट्ठियाँ आए। वह उनके मन में क्या विचार आता है, उनके पिता के नाम कितनी सारी चिट्ठियाँ आती थी, यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए, उनके पिता के नाम इतनी सारी चिट्ठी आई। उसे देखकर उसके मन में भी ऐसा विचार आया कि मेरे नाम भी इतनी सारी ढेर सारी चिट्ठियाँ आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। वह जब 5-6 साल की उम्र के थे तब का यह प्रसंग है कि तब से उतना जब छोटा था, वह जब इतना छोटे थे तब से उनके मन में कहीं ना कहीं विचार करने की, कहीं ना कहीं प्रतिशोध करने की, कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की शोध करने की उनके मन में इच्छाएं थी। उनके पिता के नाम की चिट्ठी को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि मेरे नाम भी इतनी सारी चिट्ठी आए। इसलिए उसने क्या किया, लिफाफे यानी कि पोस्ट का कवर होता है, उसे हिंदी में लिफाफे कहा जाता है, वह कवर लेकर आया और उन कवर में उसने अपना नाम और पता लिख दिया और लिखकर उसने क्या किया, डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। हुआ क्या कि उसने अपने कई सारे लिफाफे ले आए और उन पर अपना नाम और पता लिख लिया और लिखकर उसने क्या किया, डाकघर में डाल दिया। तो हुआ क्या कि उनके नाम पर ढेरों सारी चिट्ठियाँ आने लगी। उनके पिता ने देखा, उनके पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के पीछे यह करने का उनका उद्देश्य क्या है, उसने ऐसा क्यों किया कि मेरे नाम इतनी सारी चिट्ठियाँ आती थी, तो उसने ऐसा क्यों, किसी वजह से ऐसा किया कि उनके नाम पर इतनी सारी चिट्ठियाँ आए और आने भी लगी। यह देखकर बालक विक्रम के पिता ने यह देखा तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि विक्रम का ऐसा कार्य करने का उनके पीछे का उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहता है कि जिनकी वजह से उनके ऐसा
उसने ऐसा कार्य किया कि उसके नाम पर इतनी सारी चिट्ठियां आए। ऐसा विक्रम ने क्यों किया यह जानने के लिए उसका जो पिता था वह जानकारी के बारे में सोचने लगा कि उनके यह करने का उद्देश्य क्या है। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। असलियत, बालक विक्रम की असलियत यानी कि उनकी वास्तविकता जानने, उसने जाने कि यह ऐसा विक्रम ने कौन सा ऐसा कारण था कि विक्रम ने ऐसा कार्य किया, तो यह बात उसने विक्रम से जानकारी ली कि ऐसा क्या, ऐसा कौन सी वजह थी कि तूने ऐसा कार्य किया, तेरे नाम पर इतने सारे लिफाफे आए। वह उसने उसकी जानकारी जब प्राप्त की, असलियत यानी कि वास्तविकता, उनके वास्तविकता यह करने की असलियत जब उसको मालूम हुई, तब विक्रम के पिता को हंसी आई। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने विक्रम साराभाई के जन्म 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद में, उनके पिता का नाम अंबालाल, माता का नाम सरला देवी, और वह एक प्रतिष्ठित उद्योग परिवार के व्यक्ति थे, और जब वे 5-6 वर्ष की उम्र में थे तब उसका अपना जो जीवन में जो प्रसंग बना हुआ था, उन प्रसंग की वजह से वह अपने इरादे को वह बुलंद बना सके, ऊंचा बना सके, यहाँ तक हमने अभ्यास किया। अगली इकाई के बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे।